देखिए, आज हम लोगों की जिला स्तरीय कोर टीम की बैठक हम लोगों ने की थी। इसमें कोविड के सिचुएशंस के हर पहलू पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया और इसमें सभी व्यापारियों से भी हम लोगों ने कुछ ग्रुप से डिस्कशन किया है और सभी लोगों से डिस्कस करके ये निर्णय लिया है कि जितने शॉप्स का क्लोजिंग टाइम जो है 3 PM तक हम लोग निश्चित कर रहे हैं। और साथ ही मैं ज़िला प्रशासन की तरफ से आम जनों से अपील करूंगी कि जो भी यदि जो भी आवश्यक आपको सामग्री है, एक व्यक्ति ही कोई लेने के लिए जाए, मार्केट में भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन के जो रूल्स हैं उनका पालन करें, अनावश्यक इधर उधर बिल्कुल ना घूमें और 3 बजे के उपरांत कम से कम मात्रा में ही भ्रमण करें। यदि कोई बहुत ज़रूरी कार्य है तो ही भ्रमण करें, क्योंकि शाम के समय जो है अनावश्यक की भीड़ कई स्थानों पर देखने को मिलती है। इसमें हम लोगों ने दुकानों का समय 3 बजे तक नियत किया है, पर इसमें कोविड का वैक्सीनेशन के लिए जो लोगों का आना जाना है वो प्रतिबंधित नहीं रहेगा। साथ ही मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स ये जो है पूरे समय खुले रहेंगे, इसको भी हम लोगों ने स्पेशली इसमें ध्यान में रखा है। और वैक्सीनेशन के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे ज़िले में अभी लगभग 45,000 वैक्सीन हमें प्राप्त हुई हैं और हम लोगों ने सभी ब्लॉक्स में भी उसको एलोकेट कर लिया है। सभी लोग जो कि 45+ एज ग्रुप के हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि तत्काल अपने आप को निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र में रजिस्टर कराएं एवं वैक्सीनेशन करवाएं। नवरात्र को लेकर मैडम पूजा पाठ अभी उसमें को लेकर कोई गाइडलाइन बनाया है कोरोना को लेकर? मंदिरों में नवरात्र के दौरान जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इसको दृष्टिगत करते हुए मंदिरों में दर्शन, ज्योत के दर्शन ये सब प्रतिबंधित रहेंगे। ज्योत जलाए जाएंगे किंतु उसका दर्शन प्रतिबंधित रहेगा। हम लोगों ने मंदिर समितियों से अभी चर्चा की है और उनसे अनुरोध किया है कि वे यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था लोगों के लिए करें। और एवं मीडिया के माध्यम से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि मंदिरों के द्वारा जो मुख्य मंदिर हैं उनके द्वारा लिंक्स शेयर कर दी जाएंगी और उसके माध्यम से ऑनलाइन ही जो है दर्शन कर सकते हैं। एवं साथ ही किसी भी प्रकार से मंदिरों में प्रवेश करना, मंदिरों में दर्शन, भोग, प्रसाद इत्यादि सभी प्रतिबंधित रहेंगे। एवं जब कलश यात्रा जो होती है उसमें भी 5 से अधिक लोगों का को अनुमति नहीं रहेगी।